अरे सुबह सुबह क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा तुझे? एब्स मार रहा हूँ। एब्स मार रहे हो या मर रहे हो? फिलहाल तो मैं मार रहा हूँ, और देखना तू अब 6 महीने में मैं 6 एब्स बना लूंगा। तुझे मेरी ताकत का भी अंदाजा नहीं है नामिका। अंदाजा लगा लेते हैं फिर। जरा अब मार के दिखाओ। ओए नामिका पागल हो गई तू? उठ ऊपर से। अरे थोड़ा तो दम दिखाओ। आपने 6 डिप्स मार ली ना, कसम से बता रही हूँ अभी एब्स निकल जाएंगी। अरे हट जा यार नामिका, मैं मर जाऊंगा। अगर तुझे मुझे मारना ही है ना तो सीधा चाकू घुसेर देना। धीरे धीरे क्यों मार रही है? मेरा दम घुट रहा है। क्या औरत, अभी के लिए ना तुम्हें छोड़ देती हूँ। जा। कमर तोड़ती मेरी। पत्नी बैठ गई ऊपर, टूट गई कमर यार। अच्छा सुनो ना। अरे जा, हाथ छोड़ यार तू। सुनो ना, छू मत मुझे, दूर हो जा मेरे पास से। पवन हम ना हमेशा लड़ते रहते हैं। 3 साल हुए हमारी शादी को, पर लगता है इसे सदियां बीत गई हो। अनामिका जैसी तेरी हरकत है ना, हमारा 1 महीना 1 साल की तरह कटता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मेरा जीवन जल्दी खत्म हो जाएगा। कुछ भी बोलते हो यार। तू भी तो कुछ भी बोलती है, बदतमीज। पवन कमर तोड़ दी इस मोटी ने। पवन तुम्हें पता है हमारे बीच इतने लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि तू बदतमीज है। अरे वो तो हम है ही, पर पवन मुझे लगता है हमारे बीच में रोमांस खत्म हो गया है। हाँ तो तुझे लड़ाई झगड़े करने से फुर्सत मिले तब ना तू रोमांस करेगी। अरे अब करना तो चाहती हूँ, चलो ना सेकंड हनीमून पे चलते हैं पवन। हमारे बीच की जो दूरियां है ना वो सारी खत्म हो जाएंगी। और वो भी पता है कहाँ? पहाड़ों वाली जगह पे। पहाड़ों पे जाएंगे पवन, पहाड़ों के बीच एक शानदार सा कमरा लेंगे, अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और अपने बीच में प्यार बढ़ाएंगे। कैसे लगेगा? यह तो सही रही है। बता कहाँ चलना है? तुम बताओ कहाँ चलना चाहिए। हरिद्वार चलते हैं। ऐसा करते हैं बनारस चलते हैं। हाँ बनारस भी ठीक है, बनारस चल लेंगे। हम ना हनीमून पे जा रहे हैं, पूजा पाठ करने नहीं जा रहे हैं। हाँ तो खुद डिसाइड कर लेना कहाँ जाना है। पूछ भी रही है और फिर अपने आप भी सब कुछ करना है। हम ऐसा करते हैं दार्जिलिंग चलते हैं। शाहरुख भी ना गौरी को वही लेके गया था। तो तू कौन सा गौरी है? तो तुम कौन सा शाहरुख खान हो? हाँ तो बॉडी बना रहा हूँ ना उसके जैसी, 6 महीने में बॉडी बना लूंगा मैं। अरे बेचारे की तो बॉडी ही नहीं है। तो फिर किसकी है बॉडी? बॉडी है सलमान की। हाँ तो सलमान जैसी बॉडी बना लूंगा मैं। तुम बस ना उसके जैसा रोमांस कर लो, यही काफी है। अरे सलमान रोमांस कहाँ करता है, आज तक किसी हीरोइन की पप्पी तक नहीं लिया उसने। अरे मैं सलमान की नहीं शाहरुख की बात कर रही हूँ। एक तो ना तू डिसाइड कर ले तू किसकी बात कर रही है। कभी सलमान की बोल रही है, कभी शाहरुख की बोल रही है। और मुझे बता दे किसके जैसी बॉडी बनानी, किसके जैसा रोमांस करना है। तेरा ही मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुमने सब कुछ मिश्रा जैसा कर लो। मिश्रा ये कौन है? हे गणपति पप्पा, आप मेरा जमाईपुरा का वीजा लगवा दो ताकि मैं अपनी बीवी को वहां छोड़कर आ जाऊं। जमाईपुरा नहीं, जमाई का मिश्रा जी। हाँ जमाई का, जमाई का, जमाई का। अरे भाई साहब, अरे भाभी जी, मिश्रा का आप दोनों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बोल साचे दरबार की जय। जय जय। बताइए मिश्रा के गरीब खाने पे कैसे आना होगा? पहले आप मुझे बताइए कैसे हैं आप? एकदम चकाचक, एकदम चकाचक। हम भी चकाचक। मिश्रा जी एक्चुअली हम ना कहीं घूमने का प्लान बना रहे थे, तो आप कोई जगह बताइए। हनीमून पे जाना है। हनीमून नहीं कह सकते, बट हनीमून पे ही जाना है। एक्चुअली मैं सोच रही थी क्यों ना सेकंड हनीमून कर लिया जाए थोड़ा सा। बहुत अच्छी बात कही भाभी जी, मैं खुद पैकेज लेकर गोवा जा चुका हूँ अपने खुद के हनीमून पे 4 बार। वैवाहिक जीवन में जरूरत पड़ जाती है भाभी जी। हाँ गोवा चलते और वहाँ अपनी बॉस भी गई हुई है, बहुत सुंदर है। सुंदर है तुम्हारी बॉस? नहीं बहुत सुंदर जगह है,
बॉस तो गई है, सुंदर तो जगह है, आप गोवा का कर दीजिए। गोवा का डन मत करिए मिश्रा जी, मुझे कहीं महंगी जगह दिखाइए। बहुत अच्छी बात कही, महंगी जगह तो फिर कश्मीर है जहाँ ठंड भी होती है और बर्फ भी होती है, उससे अच्छा रोमांस और कहाँ होगा। अरे फट भी तो जाएगी वहाँ। फट जाएगी? क्या फट जाएगी? मतलब फट भी तो सकती है ना, इतनी ठंड है वहाँ, कुछ भी फट सकता है। और सबसे बड़ी मतलब बॉम्ब भी फट सकता है। कश्मीर है यार, कश्मीर नहीं जाते, आप गोवा का कर दीजिए। गोवा अपनी बॉस के साथ रंग रलियां बनानी है ना इन्हें, इसलिए गोवा का डन करिए। हाँ देख कनामिका, तू फिर फालतू सोच रही है। अरे एक दिन मिल लूंगा तो क्या दिक्कत है? और मिश्रा जी आप ही बताइए, बड़े लोगों से बना के रखने में क्या दिक्कत है? क्यों जी, तो आप ना गोवा का कर दीजिए। गोवा डन, ठीक है गोवा का कर दे। लेकिन आप वैसे इतने खूबसूरत हैं, आपको किसी से डरने की क्या जरूरत? इनसिक्योरिटी तो इनको होनी चाहिए, इनको। वैसे मुझे लगता तो है कि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। मिश्रा जी जरा सोच समझ कर बोलिए जो आप बोल रहे हैं। ये औरत आपको कहाँ से खूबसूरत दिख रही है? अदरक हो गई है ये, देखो कहीं से भी बढ़ रही है। आप इसको खूबसूरत कह रहे हो? मिश्रा जी आप गोवा का डन करिए। अभी करता हूँ मैं फटाफट। एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट, सच में गोवा के लिए डन है तेरा? हाँ डन। अभी तो तुम मना कर रही थी। वो ना अचानक से मुझे याद आया, इन्हें अपने बॉस से मिलना है और मेरा भी ना लवर मौजूद है अभी गोवा में। तेरा लवर है अनामिका? हाँ, इनसे तो मुझे प्यार नहीं हुआ ना, तो मैं उसे एक्स नहीं बोल सकती। अच्छा लवर से मिलेगी गोवा में? मिश्रा जी मिश्रा जी गोवा नहीं जा रहे हैं, गोवा का आप कैंसिल करिए, हम जाएंगे कश्मीर। मिश्रा जी हम गोवा ही जा रहे हैं और मैं आपको भी गोवा लेके चलूंगी, आप बुकिंग कीजिए। अच्छा अरे मिश्रा जी आपको क्या अपने खर्चे पे लेके जाएगी, ये खुद तो मेरे टुकड़ों पे पल रही है। आप कश्मीर का करो, हम गोवा नहीं जा रहे हैं। हम गोवा ही जा रहे हैं और ये आदमी मेरे टुकड़ों पे पल रहा है, मैं इसका खर्चा उठाऊंगी। अच्छा कमाता मैं हूँ, तेरे टुकड़ों पे मैं कहाँ से पल रहा हूँ, घर में तू मेरे रहती है। अरे तुम तो लायक ही नहीं हो कहीं ले जाने के। ऐसा है मिश्रा जी, अगर कश्मीर नहीं तो कहीं भी नहीं। गोवा जा रहे हैं। हम गोवा नहीं जा रहे हैं। जा रहे हैं गोवा। आप कश्मीर का करो। गोवा जाएंगे। कश्मीर गोवा, कश्मीर गोवा। कोई गेट बजा रहा है, सुनाई दे रहा है मुझे, तो जाओ ना खोल के आओ। मैं तो नहीं जा रहा ना, मैं उठ सकता हूँ? क्यों, तुम्हारा कूला गोंद से चिपका है? हाँ चिपक रहा है मेरा, तेरा तो नहीं चिपक रहा, तू चली जा। अरे कुछ तो मर्दों वाले काम कर लिया कर इस घर में। हाँ तू बड़ा कर रही है ना औरतों वाले काम, सारा घर का काम मैं करूँ, कमाने भी मैं जाऊँ और तेरी सुनू भी। अच्छा हाँ। सपनों में करते हो ना ये सब? कोई है क्या? अरे कब जाओगे, जब वो गेट तोड़ देगा। मुंह बंद कर ले अपना, तू गेट तोड़ देगा, कुछ काम आता है नहीं, उल्टे सीधे बोलती रहेगी। हाँ भाई क्या दिक्कत है, गेट तोड़ेगा क्या मेरा है? आ तो रहूँ ना। मिस्टर पवन। हाँ सर, हमारी कंपनी में आपका लकी ड्रॉ निकला है जिसमें सर 4 days 3 nights का पैकेज है। कहाँ का सर? गोवा का। गोवा का? जी सर, कपल स्पेशल है। अच्छा जी सर। हाँ ला ले। क्या है ये? अरे अनामिका अपना लकी ड्रॉ में नाम आया है, हम लोग घूमने जा रहे हैं, तैयारी कर ले चल अपने तू जल्दी से। गोवा जा रहे हैं हम, गोवा 3 nights 4 days की अपनी लॉटरी आई है। गोवा? हाँ गोवा। ये लॉटरी आई है या भेजी गई है? क्या मतलब? बॉस ने भेजी है ना तुम्हारे ये? अरे अनामिका बॉस क्यों भेजेगी यार, उसको तो पता भी नहीं है, ये मैंने खुद अपना लकी ड्रॉ में नाम भरा था, वो निकल आया है बस। भैया आप ये जो लकी ड्रॉ है ना, ये गोवा की बजाय कश्मीर का कर दो, हम क्योंकि कश्मीर जाना चाहते हैं। मैम ये मैं नहीं कर सकता। क्यों? अरे वो नहीं कर सकता यार, जब गोवा के लिए हमारी ट्रिप आई है तो हम कश्मीर क्यों जाएंगे, वो बेचारा कहाँ से करेगा। ला भाई मैं तेरे साथ। पवन मुझे ना सब समझ में आता है, ये तुम बॉस के चक्कर में जो गोवा गोवा कर रहे हो ना, मुझे कमरे बंद करके अपने बॉस के साथ मजे लोगे। अनामिका ज्यादा मुंह मत फाड़ अपना, आई बात समझ में? मेरे बॉस को यार ये पता भी नहीं है कि मैं गोवा आ रहा हूँ या मेरा कोई ट्रिप का प्लान बन रहा है, और वो मुझे गोवा की ट्रिप की टिकट विकट क्यों भेजेगी यार। और इतनी दिक्कत है ना, तो ऐसे करे तू अपने लवर को बुला ले गोवा से। भाई 100-200 रुपए ले ले पर ना कश्मीर की टिकट करा दे, गोवा नहीं जाना मुझे। मैम बात 100-200 रुपए की नहीं है ना,
सर आप साइन कर दीजिए ना, मैं जाता हूँ। अरे मैं कर दूंगा साइन, तू एक मिनट। हाँ, कैसे कर दोगे तुम साइन? मैं जाना ही नहीं चाहती गोवा। कैसे चले जाओगे तुम गोवा? अरे अनामिका गोवा ही तो जाएंगे यार, जब गोवा की टिकट आई है। मुझे जाना ही नहीं है गोवा। हाँ तो तू मत जा, मैं अकेला चला जाऊंगा। हाँ हाँ तुम तो जाना ही चाहते हो ना अपने बॉस के पास। सबसे मस्ती हूँ मैं। अनामिका तेरा बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है ना? और तेरे को नहीं जाना तो मत जा, ठीक? सर साइन कर। अरे तेरे फोन तोड़ दूंगी मैं अभी। सुना नहीं दे रहा, बात कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है, कैसे लोग हैं। उसमें क्यों चिल्ला रही है तू मेरे से बात करना? अरे मेरे को नहीं जाना गोवा। नहीं जाना? मैं भी नहीं जाऊंगी गोवा। हाँ तो नहीं जा रहा मैं, ठीक है? पवन ऐसा है, तुम ना लायक ही नहीं हो हनीमून शनीमून के, तुम हो लायक पिटाई के। और तू किस लायक है तुझे पता है? किस लायक को बताओ? धक्के मार के घर से भगा दूंगा मैं। तुम निकलो यहाँ से, मैं क्यों निकलूंगी? अनामिका अगर एक मिनट और तू मेरी नजर से दूर नहीं हो ना तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। तुम्हारा सर बच जाएगा फिर? अनामिका यार तू पागल हो गई, चल रहे ना गोवा चल। पवन तुम इसी कमरे में सड़ो यहाँ के, तुम हनीमून शनीमून कहीं जाने के लायक नहीं हो, तुम है तुम सिर्फ झगड़े के लायक। अरे ये कहाँ गया? मेरी नजरों के सामने से निकल जाओ। अनामिका यार बात तो सुन यार, चल रहे है ना यार, क्यों पागल हो रही है?